Good evening and welcome to the Saturday edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic news of the day. Today we'll also be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on business, economic and stock market matters. But do remember that we don't address stock or company-specific queries. The numbers to call us on are 2331-4444, 2371-7106 or 2342-1050. And those of you who would be calling us from outside Delhi, please prefix 011. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद राजेश. नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है. रोज की तरह आज भी हम ताजा आर्थिक समाचार आप तक लाएंगे. श्रोताओं, आज शनिवार है और हम आपके प्रश्नों को आज सीधे प्रोग्राम में शामिल करेंगे. आप हमें फोन करके आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़े किसी भी मुद्दे पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, परंतु याद दिला दें कि हम इस कार्यक्रम में किसी विशेष कंपनी या स्टॉक के बारे में जानकारी नहीं देते हैं. प्रश्न पूछने के लिए हमारे नंबर है 2331-4444, 2371-7106 और 2342-1050. दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले एसटीडी कोड 011 भी डायल करें. आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आज कार्यक्रम में आमंत्रित है वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ शरद कोहली. शरद जी नमस्कार, स्टूडियो में आपका स्वागत है. वार्म वेलकम शरद. नमस्कार सोनू, नमस्कार राजेश और सभी श्रोताओं को मेरा दिल से अभिनंदन. और अब सबसे पहले हेडलाइंस के साथ है राजेश लेख. की डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज एंड हायर येस्टरडे. सेंसेक्स क्लोजेस एट 61,795 पॉइंट्स. निफ्टी सेटल्स एट 18,350 लेवल. एंड यूएस स्टॉक्स राइज येस्टरडे आफ्टर रिलीज ऑफ लोअर देन एक्सपेक्टेड यूएस इन्फ्लेशन डेटा. प्रमुख घरेलू सूचकांक कल बढ़त पर बंद हुए. सेंसेक्स 61,795 पर बंद हुआ. निफ्टी 18,350 पर रहा. और इन आशाओं के बल पर कि फेडरल रिजर्व ब्याज दर बढ़ाने की अपनी गति धीमी कर देगा, अमरीकी बाजारों में कल बढ़त दर्ज हुई. शुरुआत करते हैं शेयर बाजार से. शेयर बाजार लगातार चौथे सप्ताह बढ़त में रहे. अमेरिका के मुद्रास्फीति के आंकड़े अनुमान से कम रहने, विदेशी संस्थागत निवेशकों का समर्थन जारी रहने, रुपए में मजबूती और अच्छे कंपनी परिणामों के बल पर वैश्विक बाजारों में लौटी तेजी के चलते कल समाप्त सप्ताह के दौरान बाजार में 1% से अधिक की बढ़त दर्ज हुई. सप्ताह के दौरान बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स 1.4% की बढ़त से 845 अंकों की तेजी दर्ज करता हुआ 61,795 पर बंद हुआ. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 1.3% की तेजी से 232 अंक बढ़कर 18,350 पर बंद हुआ. व्यापक बाजार की बात करें तो बीएसई मिड कैप सूचकांक 0.7% के नुकसान में रहा और स्मॉल कैप सूचकांक 0.4% की गिरावट पर बंद हुआ. क्या कहेंगे आप, जो ये लगातार चौथे सप्ताह बढ़त रही है और हमने 1% से अधिक की तेजी देखी है पिछले सप्ताह, क्या ये कहें कि बुलिश फेज फिर से लौटा है बाजार में? देखिए, बहुत खुशनुमा है. पहली बात तो सोनू ये है और बहुत स्वागत करने योग्य है. बहुत राहत की सांस है कई हफ्ते के डिप्रेस्ड माहौल रहने के बाद. बहुत अच्छा. मैं पूरी तरह से इसको बुल रन तो नहीं कहूंगा, पर एक बीच में, जैसे कहते हैं कि आपको ओएसिस आ जाता है डेजर्ट के बीच में, तो एक राहत आई है. देखते हैं कब तक रहती है, क्योंकि वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी भी जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं सोनू, जो जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, वो अभी भी उनमें कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं आया है. पहली बात. दूसरी बात, इन्फ्लेशन का आंकड़ा जिसको लेके अमेरिकी बाजार एकदम से उछले थे, बहुत तगड़ी उन्होंने उछाल लगाई थी. इन्फ्लेशन अभी ऐसा नहीं है कि वो इन्फ्लेशन पूरी तरह से काबू में आ गया है या जो टारगेट्स हैं लक्ष्य के पास पहुंच गया. अभी भी उससे लक्ष्य से बहुत दूर है, कोसों दूर है.
तो इसलिए मैं समझता हूं कि जितनी खुशी मिल रही है उसको ले लेनी चाहिए। और जिन एक और बहुत बड़ी सलाह यह है कि जिन निवेशकों का अब जो उन्होंने खरीदा हुआ था सामान वो प्रॉफिट में आ चुका है, सामान हम यहां पर इक्विटी को कहते हैं, हम लोग आम मार्केट की भाषा में इक्विटी के लिए बहुत सारे शब्द प्रयोग करते हैं, तो अगर आपने कुछ अपना निवेश किया हुआ है अगर वो प्रॉफिट में आ गया है तो मुझे लगता है थोड़ा बहुत उसको बुक कर लेना चाहिए, चाहे वो एसआईपीज ही हो। जी हाँ, एसआईपी हो, चाहे वो आपका लॉन्ग टर्म परचेज हो, शॉर्ट टर्म हो, कम से कम उसका कुछ हिस्सा प्रॉफिट बुक करके चलना चाहिए। क्योंकि जो मैंने जिन भौगोलिक परिस्थितियों की मैंने सोनू बात करी है, वो भौगोलिक परिस्थितियां ऐसी हैं कि कुछ हफ्ते तक शांत भी रह सकती हैं और एकदम से उसमें रातों रात बहुत बड़ा बदलाव भी आ सकता है, तो ये उसको फोरकास्ट करना, उसको प्रेडिक्ट करना बहुत कठिन है। एक बार को मार्केट को प्रेडिक्ट करना फिर आसान हो सकता है, पर उन जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स में कब रुख बदल जाए, क्योंकि वो जो राष्ट्र अध्यक्ष होते हैं उनमें जो देश की परिस्थिति, उनके मन की परिस्थिति के ऊपर होता है, कुछ पता नहीं कब पलट जाए। तो इसलिए प्रॉफिट बुक करते रहिए और इसको सेलिब्रेट करिए, इसको एंजॉय करिए, प्रॉफिट कमाइए और धीरे धीरे करके अपना प्रॉफिट बुक करते जाइए और आगे की इंतजार करिए। सो इन दिस खुशनुमा माहौल एज यू पुट इट, हाउ मच रोल हैज द एफआईआईज प्लेड? आई थिंक एफआईआईज have played a moderate role. I won't say that FIIs have gone over the board, Rajesh, because if you look at the total investments, there have been days when FIIs have been, doing very average buying. I mean, they haven't like bought like before $1 billion a day or something, which was a few months ago or probably a year ago we were witnessing. That's not the case. We've seen sometimes the DIIs playing their part. We've seen the retail investors getting very strong, giving very strong support to the market. So it's been like, alternate between the three major institutions. One is the FIIs, second is the DIIs, and third, of course, which has now become a very big institution, are the retail investors, jo apne aap mein ek bahut bada pura institution ban chuke hain, unki tadad badh chuki hai, unke paas jo disposable funds hain, या यू कहे के पीछे उन्होंने बैंक से या कुछ फिक्स रिटर्न इन्वेस्टमेंट से हटा के वो इक्विटी में ड्रिबल करना चाहते हैं, इक्विटी में अपना भाग्य आजमाना चाहते हैं, तो मुझे लग रहा है उनका बहुत बड़ा रोल रहा है, एंड दैट इज व्हाट हैज कंट्रीब्यूटेड टू द रन। एनीवे, आई मीन हम तो कहते हैं कहीं से आए आए सही, बढ़ रहा है, चाहे डीआईआईज बढ़ा रहे हैं, चाहे एफपीआईज की वजह से बढ़ रहा है, चाहे रिटेल निवेशकों की बढ़ रहा है, जो बढ़ा है बढ़ना चाहिए और अच्छी खबर है, उसको एंजॉय करना चाहिए। आपने भी कहा कि जो यूएस इन्फ्लेशन डेटा आया है वो जो उनका टारगेट है विच इज ऑफकोर्स 2%, उससे कहीं अभी भी ज्यादा है, 7% से ऊपर ही, लेकिन जो एस्टिमेट्स थे इकोनॉमिस्ट के, मार्केट एनालिस्ट के, उससे कम आया है, तो इसका यूएस फेडरल रिजर्व के रवैये पर आप क्या असर पड़ता हुआ देखते हैं? जो अटकलें लगाई जा रही हैं कि उनका रुख कम कड़ा होगा, उसके बारे में थोड़ा सा आप हमें विस्तार से। देखिए, 75 बिप्स या 75 बेसिस पॉइंट जिसकी हम बात कर रहे थे निरंतर, अभी तक हम बात कर रहे थे, हो सकता है 50 बेसिस पॉइंट की वो ले बढ़ेगा, ये तो लगभग निश्चित है। पहली बात कि ऐसा तो नहीं, क्योंकि मैंने कहा कि 2%, आपने खुद ही कहा 2% और 7.7% के बीच में बहुत बड़ा फर्क है, तो ऐसा तो हम नहीं कह सकते कि अभी फेड कुछ नहीं करेगा, फेड इस बार बिल्कुल बढ़ाएगा नहीं या घटा देगा, ये तो हम अभी मुझे नहीं लग रहा ये रियलिटी है। हो सकता है थोड़ी सी मॉडरेट अप्रोच ले, 50 बेसिस पॉइंट की बात करें या 60 बेसिस पॉइंट की बात करें, अभी बहुत जल्दी है सोनू कहना, और मैं यूएस की हम बात कर रहे हैं तो हम अभी जो कांग्रेस के इलेक्शंस चल रहे हैं, मिड टर्म पोल्स हैं, उनकी भी बहुत नाइफ एज पे है, और ऐसा माना जा रहा है डेमोक्रेट शायद लीड ले जाएं, और तो मुझे लग रहा है बहुत सारी अभी इफ्स एंड बट्स हैं इसमें, उसके बाद फेड का डिसीजन होगा, फेड इन सब बातों पर नजर रखे हुए है कि पॉलिसी क्या आगे बनती है, उसके बाद मुझे लग रहा है, पर हो सकता है कि थोड़ा सा मॉडरेशन आपको दिखाई दे, 75 की बजाय बढ़ेगा तो जरूर, थोड़ा सा कम बड़ा दिख सकता है। वी हैव गॉट अ फर्स्ट कॉलर ऑन लाइन, आर एस धैया फ्रॉम दिल्ली, वी गो ओवर टू मिस्टर धैया। यहीं पर रेल मंत्री जी घोषणा करके गए थे कि अब से भारत की, डू वी हैव हिम ऑन लाइन? या ओके, मिस्टर धैया कैन यू हियर अस? जनरल डिब्बे लगेंगे, वो लग रहे हैं। हेलो, वी आर अनएबल टू हियर यू। हेलो, 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 बहुत फेंट आपकी आवाज आ रही है, क्या सवाल है आपका? जी सर, हेलो सर, कैन यू हियर मी? या वी कैन, प्लीज गो अहेड एंड।
सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू कन्वे माय गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड माय क्वेश्चन टू आई थिंक वी लॉस्ट टच. टेक्निकल इशू है जिसको हम अभी सॉर्ट आउट करेंगे. मीनवाइल हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि भारतीय बाजार जो है वो अगर हम पूरे जो इक्विटी इको बाजारों का इकोसिस्टम है पूरे वर्ल्ड का, उसमें अभी भारत की पोजीशन को आप कहां देखते हैं? देखिए, भारत की पोजीशन तो सोनू उसकी दुनिया बात कर रही है इस समय. हम दुनिया के बड़े जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, आईएमएफ लें, वर्ल्ड बैंक लें, जितने भी, भारत अब G20 की अध्यक्षता करने जा रहा है, भारत उसको लीड करने जा रहा है जिसमें दुनिया के सबसे ताकतवर 20 देश हैं. तो भारत का वर्चस्व या भारत का जो रोल है, भारत का सिग्निफिकेंस है, इंपॉर्टेंस है, महत्व, जो मर्जी आप शब्द इस्तेमाल करिए, मुझे लग रहा है उस पर तो कोई हम प्रश्न चिन्ह लगा ही नहीं सकते. और भारतीय जहां तक शेयर बाजार की बात है, ठीक है, भारत के शेयर बाजार की अगर हम मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो शायद वैश्विक स्तर पर उसकी जो डिनोमिनेशन है बहुत कम आएगी, परसेंटेज में बात कर रहा हूं. पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और जैसे जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूती की तरफ बढ़ रही है, मजबूत हो रही है, भारत की तरफ दुनिया के बड़े बड़े देश देख रहे हैं और भारत को आज दुनिया के जब बड़े निर्णय लिए जाते हैं तो उसमें भारत को आप दरकिनार नहीं कर सकते हैं. अब ये भारत वो भारत नहीं रहा है जिसमें पहले भारत को, मुझे याद है बहुत वर्ष पहले इसने एक चार्मर्स का देश कहा जाता था. मुझे लग रहा है भारत उस छवि से बाहर आ चुका है और कोई अगर ऐसा सोचता है तो वो गलत सोचता है. और मैं समझता हूं आर्थिक परिप्रेक्ष्य में और शेयर मार्केट के परिप्रेक्ष्य में भी आप दुनिया की बड़ी बड़ी, अभी हमारी वित्त मंत्री महोदया जो हैं उन्होंने कल ही स्टेटमेंट दिया कि दुनिया के बड़े बड़े निवेशक भारत की तरफ निवेश करने के लिए देख रहे हैं. और यह सच है, जो चाइना प्लस वन पॉलिसी है या जो चाइना को अल्टरनेट ढूंढ रही हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं जो आज भारत आने को तैयार है. देखिए आईफोन, एप्पल की बात करें, आज आईफोन 14 भारत में बन रहा है, सैमसंग का बहुत बड़ा प्रोडक्शन फैसिलिटी भारत में. तो भारत का भविष्य शेयर मार्केट में भी, ना केवल आर्थिक रूप से, शेयर मार्केट में भी बहुत उज्ज्वल है और ये सबसे ज्यादा मुनाफा देने वाली मार्केट्स में से एक बनने वाला है. सो ये जो ग्लोबल री ऑर्डरिंग है जिसमें हमारा जो आप कह रहे हैं कि वर्चस्व लगातार इम्प्रूव हो रहा है जी. उसमें जो रिफॉर्म्स हाल में किए गए हैं, आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत भी जो रिफॉर्म्स किए गए हैं, उनका कितना बड़ा रोल है? बिफोर वी टेक योर आंसर, लेट्स गो ओवर टू जयपुर एंड स्पीक टू जितेंद्र. जितेंद्र, प्लीज गो अहेड एंड आस्क योर क्वेश्चन. हाँ सर, पिछले बार आपने एक बता रहे थे सर, आईपीओ को सिलेक्ट करने के लिए 5-6-7 पॉइंट आप बता रहे थे जी. प्लीज इस बार उस 5-6-7 पॉइंट को फिर से बता दी, मैं नोट कर लूँ. उसमें हमारा एक प्रश्न उसमें बनता है कि कितनी पुरानी कंपनी होनी चाहिए, क्या नाम है, 10 साल 15 साल, उसको हम अच्छा माने. जितेंद्र देखिए, कंपनी की एज कुछ हद तक मैटर करती है क्योंकि जितने पुरानी कंपनी मार्केट में होगी उतना ही उसकी स्टैंडिंग अच्छी हो जाती है, सॉलिड होती जाती है. पर इसमें मैं आपको पॉइंट्स फिर से बता देता हूं, कंपनी की एज उतना मैटर करती भी है और नहीं भी करती है. कितनी जल्दी कंपनी अपने मुनाफे को सस्टेन कर पाती है, मेंटेन कर पाती है, ये निर्भर करता है. तो आप देखें तो प्रमोटर्स कौन है, उनका बैकग्राउंड क्या है, मतलब जिन लोगों ने कंपनी को खोला है, जिन्होंने कारोबार चलाया है, उनका बैकग्राउंड, उनको तजुर्बा कितना है, उनकी मार्केट में रेपुटेशन कितनी है, उनके ऊपर कोई केस वेस तो नहीं चल रहा वगैरह. पहले तो प्रमोटर्स की क्रेडिबिलिटी हम इसको बोलते हैं, वो आपको देखनी चाहिए. दूसरा देखना चाहिए कि जिस सेक्टर की जितेंद्र ये कंपनी है उस सेक्टर का भविष्य कैसा है. अब मान लीजिए कोई ऐसे सेक्टर में कंपनी ने अपना काम शुरू किया है जिसको हम भाषा में, बिजनेस की भाषा में कहते हैं सनसेट इंडस्ट्री, कि उसका कल को उसका व्यापार डूबने वाला है या 2-3-4 साल में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाएगी जो कि उस कंपनी के व्यापार को डुबो देगी. उदाहरण के तौर पर मैं बात करता हूं इसका उल्टा, मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में बैटरी बनाने वाली कंपनी, उसका भविष्य उज्जवल है. डिफेंस सेक्टर में है, उसका भविष्य उज्जवल है. एफएमसीजी में है, उसका भविष्य उज्जवल है, भारत बहुत बड़ी मार्केट है. पर कोई मान लीजिए ऐसी चीज में निवेश कर रहा है जो टेक्नोलॉजी जिसको हम विदा करने वाले हैं आने वाले कुछ वर्षों में, तो वहां पर अब कोई मान लीजिए कंपनी कैलकुलेटर बनाना शुरू कर देती है, वो आईपीओ निकालती है, तो कैलकुलेटर की जगह आपको पता है धीरे धीरे मोबाइल या कैमराज हैं उनकी, तो ऐसी कोई चीज है जिसको फेड आउट हो रही है, देखना चाहिए. तीसरा, कंपनी की टॉप लाइंस बॉटम लाइंस पिछले कुछ वर्षों में ग्रो करी है कि वो नीचे की इस ओर गई है, ये देखना चाहिए. कोई सरकारी ऐसी पॉलिसी जितेंद्र जो कि ऐसी आने वाली है या आई है जो कि कंपनी की ऑपरेशंस पे फर्क डाल सकती है, तो ये सब चीजें आप देखें. और कंपनी ने जो सबसे बड़ी बात, जो कीमत निकाली है
वो कीमत फंडामेंटल से कितनी मैच, ये सभी श्रोताओं के काम की बात है कि वो कीमत जो प्रीमियम वो ले रहे हैं, 10 रुपए का शेयर है, वो 400, 500, 600, 800 जितने का भी दे रहे हैं, वो जो प्रीमियम ले रहे हैं क्या वो प्रीमियम बैलेंस शीट से उनके रिजल्ट से मैच कर रही है। इसके लिए आपको हो सकता है किसी एक्सपर्ट की सलाह लेनी पड़े, आप स्वयं ना निकाल पाएं कि ये उचित है कि नहीं उचित है, पर आजकल बहुत सारे ऑनलाइन भी और आपको चैनल्स वगैरह पे दिखाई देता है जहां पर इसका बहुत एनालिसिस किया जाता है कि कीमत प्रीमियम ठीक ले रहे हैं कि नहीं। तो इन बातों के आधार पर जितेंद्र आप निर्णय लेंगे तो आपको आईपीओ में घाटा होने के चांसेस कम हो जाएंगे। मैं ये शब्द कभी नहीं इस्तेमाल करता कि घाटा नहीं हो सकता है, घाटा होने के चांसेस कम हो जाएंगे। जी, अगले कॉलर है दिल्ली से भारत भूषण। भारत भूषण जी, आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। भारत भूषण जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? हेलो जी। जी भारत भूषण जी, अपना सवाल पूछें। हेलो, मेरा नाम विनीत उदय, मैं जानना चाह रहा था कि जो विलेज इकोनॉमी है, जो इंडिया की सेल्फ सफिशिएंट विलेज इकोनॉमी है जी, उसका और फ्री मार्केट की जो स्थिति है, उन दोनों में क्या अंतर है या ये दोनों एक ही चीज है? जी हाँ जी विनय जी, देखिए आपने जो बाद में बात कही वो बहुत काम की है, क्योंकि जब हम फ्री मार्केट इकोनॉमी की बात करते हैं तो हम पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में लेते हैं और उसमें हम सभी सेक्टर्स को गिनते हैं। हम उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर भी लेते हैं, उसमें शहर भी लेते हैं, टीयर टू टीयर थ्री सिटीज भी लेते हैं और उसमें हम गांव भी लेते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि फ्री मार्केट इकोनॉमी खाली शहरों में होती है, मतलब मुझे लग रहा है उसका ज्योग्राफी से या उसका पर्टिकुलर सेक्टर से इतना लेना देना नहीं होता है। अगर एक देश की फ्री मार्केट इकोनॉमी है तो पूरे के पूरे देश की है, उसमें सभी एग्रीकल्चर सेक्टर भी आ जाता है, गांव भी आ जाते हैं, शहर भी आ जाते हैं। तो आपने जो बाद में इस बात समझी है और कही है वही सही है कि हमारे जो गांव का इलाका है वो भी फ्री मार्केट इकोनॉमी का। फ्री मार्केट इकोनॉमी क्या है कि आप अपने प्रोडक्ट को ले जाके कहीं भी बेच सकते हैं, आप सरकारी बेचना चाहें सरकारी। अब आज एक किसान है, मान लीजिए वो फसल उगाता है तो वो चाहे तो वो उसको शहर में ले जाके बेच सकता है, मंडी में बेच सकता है, अपने पड़ोस में बेच सकता है। कोई उसके ऊपर ऐसा कानून नहीं है कि किसान को ले जाके एपीएमसी में बेचना है या अगर सरकार जितनी खरीद कर रही है वो अगर नहीं देना चाहता तो नहीं देना चाहता है। तो फ्री मार्केट इकोनॉमी विनय जी वो सारे के सारे देश के परिप्रेक्ष्य में उसको समझना चाहिए। जी मिस्टर दहिया, यू वर ट्राइंग टू गेट इन टच विद अस, यू कैन डू सो, द टेक्निकल प्रॉब्लम हैज बीन सॉल्वड। इन द मीन टाइम Bharat Bhushan from Delhi joins us. We welcome you. Mr. Bharat Bhushan, please ask your question. जी सर, सर आप पूरे आकाशवाणी टीम को लोक प्रसारण दिवस की बधाई। हाँ जी, थैंक यू। अच्छा मैडम, सौरभ सर को नमस्कार है। नमस्कार सर, मेरा आपसे ये प्रश्न है कि जो ईरान के जरिए जो गैस पाइपलाइन आनी थी भारत में जी, और उसके कार्य कितने प्रगति पे है, और दूसरा सर हम कोयला के सबसे बड़े उत्पादक होने के बावजूद ऑस्ट्रेलिया जैसे क्वींसलैंड से हम कोयला आयात करते हैं, क्या कारण है? धन्यवाद सर। देखिए जो जिस पाइपलाइन का आप जिक्र कर रहे हैं भारत भूषण जी, उस पर काम चल रहा है और उस पर काम, देखिए बीच में क्योंकि जब किसी पाइपलाइन को बहुत सारे देशों से गुजरना होता है और जियोपॉलिटिकल सिचुएशन भी बदला होती रहती है, और पीछे हमने देखा जो ईरान रशिया यूक्रेन की वजह से जो कॉन्फ्लिक्ट छिड़ा उसकी वजह से बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय ऐसे प्रोजेक्ट्स थे उनमें दिक्कत आई, उनमें डिसरप्शंस आए, डिले हुआ, तो उस पर कार्य प्रगति पर है। और क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय हम सिचुएशन की बात कर रहे हैं तो जैसे जैसे वो सुलझती जाएंगी, जो गुत्थियां उलझ जाती हैं कई बार, वो आपको उसमें तेज रफ्तार आती दिखेगी। दूसरा आपने कोयले की बात करी, देखिए कोयले की जो डिमांड है भारत भूषण जी, वो भारत में बहुत तेजी से बढ़ी है और अभी भी हम फॉसिल फ्यूल्स पे काफी हद तक डिपेंडेंट है, हालांकि ग्रीन एनर्जी पे बहुत काम हो रहा है, पर कोयला आज भी हमारा मेन सोर्स है पावर का, अगर हम देखें रॉ मटेरियल की बात करें या उसके स्रोत की बात करें तो जब कम पड़ता है और बिजली का, और ये तो आप इसमें, मैं तो इसमें एक सिल्वर लाइनिंग इसमें एक अच्छाई भी देखता हूं, जहां आपने उसकी आलोचना करी कि हम भारत ऑस्ट्रेलिया से क्यों ले रहे हैं, ये बात सही है कि हमें नहीं लेना चाहिए, पर इसमें तारीख की बात कहां है वो मैं आपको ढूंढ के बताता हूं, क्योंकि मैं बहुत पॉजिटिव माइंडसेट से चलता हूं कि भारत की जो आर्थिक ग्रोथ है और जो डिमांड फॉर पावर यहां इतनी तेज रफ्तार से बढ़ रही है, और अगर पावर की डिमांड किसी देश में तेज बढ़ती है तो मैं समझता हूं ये उसके विकास का एक इंडिकेटर होता है, उसके डेवलपमेंट का, क्योंकि आप अगर लोग ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, इंडस्ट्री ज्यादा कंज्यूम कर रही है, ज्यादा खर्चा तो इंडस्ट्री में होता है। तो आज भी हमने देखा आईआईपी की अगर आप नंबर्स देखें 3.1 आईआईपी, तो ये अच्छे आईआईपी इंडिकेट करता है,
भारत की जो बढ़ती हुई मिडिल क्लास है उसका इंडिकेटर है। तो भारत की प्रगति का सूचक है ये बढ़ती हुई कोयले की डिमांड, और क्योंकि कोयले की जो खाने हैं, जो कोयले के डिपॉजिट्स हैं, वो लिमिटेड हैं, तो इसलिए हमें जब जरूरत पड़ती है तो हम मंगा लेते हैं, तो अच्छी बात है, हम अपने लिए मंगाते हैं। और मैं तो ये मानता हूं कि इम्पोर्ट्स बढ़ना, ये जो हमारे इम्पोर्ट बढ़े हैं जिसकी वजह से रुपया प्रेशर में आता है, ये बताता है कि हमारी अर्थव्यवस्था बाकी की दुनिया की अर्थव्यवस्था से तेज भाग रही है, तभी हमें, और एक्सपोर्ट का घटना इसका मतलब दुनिया की अर्थव्यवस्था धीमी चल रही है, तभी हमारे एक्सपोर्ट धीमे पड़ रहे हैं, हमारी अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी चल रही है। भारत भूषण जी, बड़ा पॉजिटिव माइंडसेट से देखिए आप दुनिया को, दुनिया बहुत खूबसूरत है और भारत उसमें सबसे ज्यादा खूबसूरत है। आपने बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव दिया। और अब दिल्ली से आरएस दहिया जी फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत, सवाल पूछे। मैम नमस्कार। नमस्कार, मेरा कोहली जी से सवाल है जी। देर आर सर्टन म्यूचुअल फंड स्कीम्स इन द लास्ट साइकिल व्हेन द इंडेक्स वाज 61,000 62,000 देयर रैंकिंग वाज नंबर 1, 2, 3। या इंडेक्स हैज गॉन अप फ्रॉम 48,000 टू 61,000। या एंड दोज म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैव नाउ एट द रॉक बॉटम ऑफ रैंकिंग ऑफ 25, 26। व्हाई द सेबी और द म्यूचुअल फंड एसोसिएशन डज नॉट इंटरवीन दैट व्हाई दीज पीपल आर सॉफ्ट पेडलिंग एंड प्लेइंग विद द फॉर्चून ऑफ द इन्वेस्टर्स, आई मीन दैट मीन द फंड मैनेजर्स दे आर नॉट डूइंग देयर जॉब। मिस्टर दहिया, सी वी डू नॉट कमेंट ऑन दी यू नो एनी पर्टिकुलर फंड और फंड मैनेजर्स। आई कैन गेस प्रॉब्ली विच म्यूचुअल फंड यू आर रिफरिंग टू, बट वी डोंट नेम देम हियर। Well, it happens sometimes, you know, sometimes when the Sensex falls or rises, what happens is that, you know, particular sector or particular stocks rise, and it so happens that in the portfolio of that particular AMC or that particular sector fund does not do as well as the index, and vice versa. Sometimes when it falls, you are probably invested in a better stock. So this happens the other way around also. Sometimes when the index falls, some of the funds do not get impacted as much. So I think this is a game of equity, and if you see, whenever a mutual fund is launched, a sentence is spoken of very quickly. Mutual funds are subject to market. I'm sure you must have heard. So I think that should be heard carefully. And as far as SEBI is concerned, SEBI does not interfere, Mr. Dahiya, with the operations of the fund, because the fund's investments are subject to market risk. If SEBI starts intervening on the performance, I think it will be a very complicated affair. The whole regulation process will reach a different platform altogether, which I don't think is on the agenda right now. So therefore, I don't think SEBI can blame a particular. SEBI is there whether the mutual fund is operating properly, administration is happening properly, somebody is not running away with your money, or some commitments are not being fulfilled in terms of ke they collected for debt, they invest in equity. So I think the regulatory part is what SEBI looks after, Mr. Dahiya. It does not look after into the operational, the performance part of the mutual fund. I think we need to be, your concern is very good, and I'm sure if you are suffering, I think all our sympathies are with you. But it so happens that SEBI, this is not part of SEBI's mandate, if I'm not wrong. We've got two callers from Maharashtra, one from Mumbai, the other from Thane. First, we go to Mumbai, to Shivaji. A warm welcome. Please ask your question, and thank you for your patience. Namaste, sir. Namaste. कोहली सर को भी नमस्ते। नमस्ते शिवाजी सर, अभी आपने जो जो बाकी के बोली है वो सब मैंने सुन लिया, अच्छा हो गया। और एक तो क्या हो गया कि मुंबई में जो सेंटर है आपका, ये आजकल कुछ प्रॉब्लम आ गया है, तो अपना एफएम गोल्ड सुन नहीं पा रहा हो, तो उसका भी कंप्लेन किया। और दूसरा अभी ये मुझे आपको पूछना है कि सर, आप बोलते हैं तो बहुत अच्छा है, लगता भी अच्छा है, लेकिन मुझे ये पूछना है जी, न्यू रिटेलर्स है लिए कोई ट्रेनिंग सेंटर होता है या कोई प्रशिक्षण आप रखते हैं, इसकी थोड़ी जानकारी देंगे तो अच्छा रहेगा सर। और मैं अभी वेट करता हूँ, क्योंकि अभी मुंबई में तो रेडियो नहीं चल रहा है ये 8 दिन से, तो प्लीज। शिवाजी देखिए, रेडियो तो जहां तक, हालांकि हमारे माननीय एंकर राजेश और सोनू बेहतर बता पाएंगे, पर मेरे हिसाब से रेडियो तो ऑनलाइन भी आता है, आप अपने मोबाइल से भी रेडियो को सुन सकते हैं। आजकल रेडियो सेट से ज्यादा मोबाइल्स पे सुना जाता है। ये तो आपका पहला रहा। दूसरा, मैं व्यक्तिगत तौर पर शिवाजी कोई ट्रेनिंग मॉड्यूल्स तो नहीं चलाता हूं। मैं मार्केट में मार्केट एनालिस्ट हूं, मार्केट्स को एनालाइज करता हूं, स्वयं निवेशक भी हूं, और मार्केट्स, ग्लोबल मार्केट्स को हम लोग फॉलो करते हैं। ऐसा कोई मैं ट्रेनिंग के मॉड्यूल या बिजनेस या ऐसे कोई कार्य में तो नहीं हूं। अगर मैंने कभी शुरू किया
मैं आपका नाम नोट कर रहा हूं सबसे ऊपर के, जब भी हम ट्रेनिंग शुरू करेंगे तो शिवाजी को सबसे पहले आपको मैं इतला दूंगा। फिलहाल मैं ट्रेनिंग नहीं, आप मार्केट मंत्रा से जुड़ा करें। और हमारे तो बहुत सारे श्रोता ऐसे हैं जो बताते हैं हमको कि मार्केट मंत्रा शिवाजी सुनते सुनते इतने वर्षों में वो आज प्रशिक्षक बन गए हैं जी, न केवल ट्रेडर्स। तो शिवाजी हम न्यूज ऑन एआईआर पे ये हमको सुन भी सकते हैं। हाँ जी, ये यूट्यूब पे भी ये कार्यक्रम, आपको हैरानी, मैं एक रात की बात बता देता हूं कि मुझे खुद भी मैंने क्या बोला, मेरा उसको अगले दिन सुबह सुनने का मन होता है। मैं क्या करता हूं सुबह सुबह 6:30 बजे यूट्यूब पे मार्केट मंत्रा डेट डालता हूं, और शिवाजी इसको आप एक बार नहीं अनेकों बार सुन सकते हैं, आप जितनी बार मर्जी इसको सुनिए और इसको बार बार सुनिए, कई डेटों के सुनिए। मुझे पूरा यकीन है आपको ये जो ट्रेनिंग आप मेरे से मांग रहे हैं इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं पूरे विश्वास के साथ इस बात को कह सकता हूं। और आप हमारे वेबसाइट पर भी जा सकते हैं www.newsonair.nic.in, और आपकी जो प्रॉब्लम है वो भी हमने नोट कर ली है और हम उस पर जरूर एक्शन लेंगे। थाने से गुरुनाथ जी हैं हमारे अगले कॉलर, आपका बहुत बहुत स्वागत, सवाल पूछे। जी मैम नमस्कार। नमस्कार होली सर को भी नमस्कार। नमस्कार गुरुनाथ जी। सर मेरी क्वेश्चन तो अभी अपने विश्लेषण किया कि जो वर्ल्ड वाइज जो अपना जो ये वैश्विक परिस्थितियों के बारे में, उसके बावजूद हमारे यहाँ मतलब बढ़ रहा है जो मार्केट जो 1000 के ऊपर कल बढ़ा है जी, तो सर सर आगे मतलब इसका मतलब क्या हम कितना सावधान रहना चाहिए कि धड़ाम से गिर जाए, ऐसे कुछ सिचुएशन है? हाँ जी चलिए गुरुनाथ जी, देखिए मार्केट में हम लोग जो सड़क पे कहावत होती है लिखा होता है सावधानी हटी दुर्घटना घटी, मार्केट में आपको हैरानी होगी गुरुनाथ जी ये कहावत हमेशा ही रहती है, ये साइन बोर्ड हमेशा चढ़ा रहता है सावधानी हटी, तो मार्केट में तो गुरुनाथ जी हमेशा ही सावधान रहना चाहिए। अभी जो परिस्थितियां हैं उसके अंतर्गत जियोपॉलिटिकल की हम बात कर रहे थे, हमने ईरान सऊदी अरेबिया की बात करी, अमेरिका ईरान की टेंशन की बात करी, रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट अभी पूरी तरह से जारी है, उसमें कोई राहत नहीं मिली है, चाइना ताइवान नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया जापान नॉर्थ कोरिया, बहुत जगह दुनिया में ऐसी छोटी छोटी दिया सुलग रहे हैं जो हम उम्मीद करते हैं कि वो आग में कन्वर्ट ना हो, इसलिए मैंने सावधान रहने की बात करी। बाकी वैश्विक इकोनॉमिक डेटा पॉइंट्स के बावजूद मार्केट दौड़ रही है तो मैंने तो यही कहा इसको एंजॉय करिए, अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो मैं ये एक स्ट्रांग सलाह देना चाहूंगा क्योंकि हम कार्यक्रम के अंत की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं कि अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है, और ये मैं राजेश और सोनू के माध्यम से भी कहना चाहूंगा कि आप अपना प्रॉफिट बुक करके चलें, और जितना आपको प्रॉफिट मिला है भले ही आप पूरा ना बुक करें पर आप उसमें से कुछ हिस्सा जरूर बुक कर लें, क्योंकि ये रुत और ये समा फिर आए ना आए, क्या पता होता है मार्केट में तो हम बहुत कई बार शायराना भी हो जाते हैं कि पता नहीं ये समा फिर आए ना आए, बुक करते चलिए, आगे बेहतर होता है तो बेहतर ले लीजिएगा। Moving on, the global stocks rallied yesterday for a second day on hopes that US inflation would lead to less aggressive interest rate hikes by the Federal Reserve. As a consequence, the dollar was pushed to its biggest two-day drop in 13 years. The Dow Jones Industrial Average and the S&P 500 gained 0.1% and the Nasdaq Composite bounced 1.9%. Kya kahenge aap jo इन्होंने बात कही क्रैश की, क्या कोई पॉसिबिलिटी है आपको लगता है? अगर जब यूक्रेन और रशिया का कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ तब गिरावट आई लेकिन क्रैश तो नहीं हुए बाजार, आपको लगता है कि रेजिलियंस है अभी बाजारों में? जी हाँ रेजिलियंस है, पर जिन अभी मैं जो आपसे पहले जो गुरुनाथ जी पूछ रहे थे और जब मैं उनको बता रहा था तो जो ये छोटी छोटी सी छोटे छोटे दिए सुलग रहे हैं सब पूरी दुनिया में, अगर ये दिए इतने ही रहे, ये आग में नहीं बड़ी आग में नहीं कन्वर्ट हुए तो कोई क्रैश का चांस नहीं मुझे लग रहा है इतना बड़ा, क्योंकि अब तो इन्फ्लेशन के नंबर्स अच्छे आए, हो सकता है हम फेड के मॉडरेशन की बात कर रहे थे, तो ये मुझे लग रहा है ये खुशनुमा माहौल बना रहेगा। पर अगर कहीं ये तो सोनू मिसाइल के साइज पर डिपेंड करेगा कितना बड़ा कर, मुझे लग रहा है मार्केट का क्रैश और मिसाइल का साइज दोनों को रिलेटेड है। हम तो ये प्रार्थना करते हैं कहीं कुछ ना हो, अमन शांति विश्व में बनी रहे और सब जगह माहौल अच्छा रहे तो मार्केट आगे बल्ले बल्ले आपको होता दिखेगा। बिल्कुल समय समाप्त हो गया है, सो हमें चर्चा को भी यहीं विराम देना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शरद जी, शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। एंड बिफोर वी क्लोज द हेडलाइंस वंस अगेन, की डोमेस्टिक इंडिसेस एंड हायर यस्टरडे, सेंसेक्स क्लोजेस एट 61,795 पॉइंट्स एंड निफ्टी सेटल्स एट 18,350 लेवल। And the U.S. stocks rise yesterday after release of lower than expected U.S. inflation data. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye. Market Mantra.
मंत्रा।